तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप वीडियो के थंबनेल में देख रहे होंगे वाराणसी टू मुंबई, मुंबई टू दुबई। तो इस पूरी जर्नी को मैंने दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया था। अगर मैं वीडियो एक बार में बना देता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो दोस्तों, इसलिए मैंने इस पूरी जर्नी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो पार्ट वन में हमने लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी से हमारी फ्लाइट ने उड़ान भर ली थी। तो आपने इस पूरी जर्नी का पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन को जरूर देख लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वही इस पूरी जर्नी की शुरुआत है। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पार्ट टू में हम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल मुंबई पर हमारी फ्लाइट लैंड होने से शुरू करेंगे और हमारी ये वीडियो दुबई में जाकर एंड होगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। तो दोस्तों देखिए, हमारी फ्लाइट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल पर लैंड होने जा रही है। बहुत खुश हैं हम सभी लोग। 19 कैंडिडेट अभी हम फ्लाइट के अंदर बैठे हैं और अंदर से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखिए, बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए, हमारी फ़्लाइट यहाँ पर लैंड होने जा रही है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल पर, और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लैंड हो गए हैं मुंबई में। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी लोग उतर रहे हैं अभी एयरपोर्ट के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोगों ने उतरना शुरू कर दिया है। तो हमारे लिए बस लगी हुई है बाहर, जो कि टर्मिनल के सीधे अंदर छोड़ देगी। फिर वहाँ से हमें टर्मिनल टू पे जाना पड़ेगा। तो जहाँ से हमारी फ़्लाइट है, स्पाइस जेट की फ़्लाइट है मुंबई से दुबई के लिए, और बनारस से मुंबई के लिए भी हमारी फ़्लाइट स्पाइस जेट की थी। तो हमारा सफ़र बहुत अच्छे तरीके से गुजरा है। यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेवल किया है। तो अभी हम बस के अंदर से उतर गए हैं और टर्मिनल टू के अंदर जा रहे हैं, जहाँ से हम पहले लगेज लेंगे अपना, और लगेज लेके सीधा टर्मिनल टू पे जाएंगे। फिर हमारा बोर्डिंग पास सब कुछ दोबारा से होगा, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हमारा प्रोसेस दोबारा से होगा, जो हमारा बनारस एयरपोर्ट पे हुआ था। तो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास में कैरी होने चाहिए, कोई भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी हमारी इंटरनेशनल की फ़्लाइट मिलेगी वहाँ से। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, चेकिंग वगैरह बहुत सख्ती की जाती है। तो अभी हमारा देखिए यहाँ पर लगेज आ रहा है, जिसको हम रिसीव करेंगे। तो देखिए, हमारा लगेज आ चुका है यहाँ पर, और हमारे बैग पर एक चिट लगाया जाता है जिस पर हमारा नाम रहता है। तो कृपया अपना लगेज को देखकर रिसीव करें और अपना नाम उस टैग पर देख लें। ये बहुत सी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि कई लगेज एक साथ एक जैसे भी होते हैं। तो इसलिए अपना नाम देखें, वहाँ पर टैग पर आपका नाम लिखा होगा, तो वही लगेज अपना उठाएँ। तो देखिए यहाँ पर, तो अभी हम टर्मिनल टू पर जा रहे हैं, जो कि 6 नंबर पर हमारी फ़्लाइट रहेगी। वहाँ पर 6 नंबर पे हमें जाना है, वहाँ से अंदर घुसना है। बोर्डिंग पास के लिए हमें बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो बोर्डिंग पास के लिए हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास में रहने चाहिए, सबसे पहले पासपोर्ट रहना चाहिए, फिर हमारे पास में वीज़ा रहना चाहिए, और टिकट रहना चाहिए, और कोरोना का सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए साथ में। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास में रहने चाहिए दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर 6 नंबर पे आ गए हैं हम, और अभी अंदर जाएंगे, जहाँ पर हमारा बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ मिलेगा, डॉक्यूमेंट फिर से रीचेक होगा। तो ये हमारे भाई है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम अंदर आ गए, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पीछे का जो बोर्डिंग पास वगैरह हमारा बन गया है। यहाँ पर अभी दिखा देंगे अभी दोस्तों आपको, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा स्टाम्प वगैरह सब कुछ कम्प्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वीजा वीजा सारा स्टैम हो गया है, स्पाइस पेट की जिलाड़िया मुंबई टू दुबई, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों देखिए, जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल है, बहुत अच्छा है अंदर से दिखने में, लगभग देख सकते हैं फ़ौरन के जैसा, जैसे फ़ौरन में रहते हैं ना एयरपोर्ट, ऐसा ऐसा है बिल्कुल इसके अंदर का नज़ारा। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर मनी एक्सचेंज के लिए आए हैं, क्योंकि हम दुबई जा रहे हैं, तो दुबई में दिराम चलता है, तो हमारा इंडियन करेंसी हमें दिराम में लेना होगा, वहाँ पर चेंज कराएंगे हम यहाँ पर। तो दोस्तों, हमें बाद में पता चला है कि यहाँ पर हमारा जो सर्विस चार्ज लगा है करेंसी एक्सचेंज का, तो बहुत ज़्यादा लगा है।
अगर हम यहाँ दुबई में आकर कराते तो वो बहुत कम लगा है हमारा, तो दुबई में कम है। तो दोस्तों कोशिश करें कि वहाँ पर एक्सचेंज ना कराएं, सीधा आप जहाँ भी जा रहे हों उस देश में सीधा एक्सचेंज कराएं, और ख़ासकर एयरपोर्ट के अंदर एक्सचेंज ना कराएं दोस्तों। एयरपोर्ट के अंदर बहुत से चार्ज रहते हैं और बहुत चार्ज लिए जाते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, इंतज़ार करेंगे यहाँ पर। 85 नंबर हमारा टिकट पे लिखा हुआ था, तो 85 नंबर से हमें यहाँ पर बस लेने आएगी और बस में बैठ के हम सीधा एयर यहाँ पर फ्लाइट के पास में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर बस हमें फ़्लाइट के पास पहुँचाएगी। तो देखिए हम भी यहाँ लाइन लगा है, अनाउंसमेंट हो चुका है। यहाँ पर हमारा बोर्डिंग पास चेक होगा और एक कैंडिडेट को आगे जाने दिया जाएगा। तो चेक होना शुरू हो गया है, तो अभी हमारा चेक हो गया है बोर्डिंग पास। तो अभी हम बस में बैठने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बस में बैठ गए हैं और बाहर में देख सकते हैं यहाँ पर फ्लाइट लगी है स्पाइस जेट की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर हम बैठेंगे स्पाइस जेट की फिर से फ्लाइट में, फिर से हम सफ़र करेंगे मुंबई से दुबई के लिए यहाँ पर। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं बैठने के लिए। तो फिर से हमारा यहाँ पर रीचेक होता है, जो भी बोर्डिंग पास रहेगा यहाँ पर देखेगा, फिर उस हिसाब से बताएगा कि आपका सीट इसके अंदर है या नहीं है। तो अभी हम अंदर आ गए, यहाँ पर एंटर कर चुके हैं फ्लाइट के अंदर। तो फ्लाइट के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, तो हमारी सीट थी 32C, तो हम 32C पर यहाँ पर बैठ जाएंगे। टिकट पर लिखा हुआ था, वहाँ पर मेंशन रहता है कि आपकी कौन सी सीट है। तो अभी आप देख के बैठे हैं कौन कौन सा नंबर आपका है यहाँ पर। तो सभी लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। 19 लोग यहाँ पर आ रहे हैं दुबई में जॉब के लिए, जो कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। सिलेक्शन हुआ है बल्ड सिक्योरिटी कंपनी है, जो कि डीपी बल्ड की कंपनी है। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, जो कि दुबई का है यहाँ पर, जो कि हर रोड पर यहाँ पर लाइटिंग रहती है दुबई में। देख सकते हैं जितनी भी रोडें हैं यहाँ पर दुबई के अंदर, यानी यूएई के अंदर, सब पे यहाँ पर लाइटें रहती हैं। तो रात में नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में ऊपर से। तो अभी हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है दुबई एयरपोर्ट, यहाँ पर हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, लैंड कर चुके हैं यहाँ पर। अभी फ़्लाइट रुकी है, तो अभी उतरना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, फिर हम एयरपोर्ट के अंदर। तो दोस्तों हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई थी, तो अभी हमने उतरना शुरू कर दिया है और हम एयरपोर्ट के अंदर चले गए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। तो अब देखेंगे आप दुबई का एयरपोर्ट कैसा है दोस्तों, तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा यहाँ पर दुबई का एयरपोर्ट कैसा है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इसको, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी मशहूर है दुबई पूरे वर्ल्ड में, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इस कंट्री में। सभी नेशनलिटी के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपिनो, रशियन, सभी लोग यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरी इंग्लिश आना चाहिए, आपको हिंदी लोग भी मिल जाएंगे, हमारे इंडिया वाले भी मिल जाएंगे, जिनसे आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर लगेज के लिए जाएंगे, हमें यहाँ पर मेट्रो में बैठ के हम लगेज लेने जाएंगे। देखिए यहाँ पर लगेज रिक्लेम लिख रहा है, तो हम मेट्रो में बैठेंगे, फिर ये मेट्रो हमें लगेज तक ले जाएगी जहाँ पर लगेज मिला का हम लोगों का। तो अभी हम यहाँ पर अपनी अपनी सीट पर बैठ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए कितना स्पीड से चल रही है यहाँ पर मेट्रो, हमें पहुँचा देगी लगेज में। तो देखिए हम अभी हम उतर गए मेट्रो से, बाहर आ गए, तो अभी हम लगेज रिक्लेम करने जा रहे हैं। देख सकते हैं जो नज़ारा, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए दुबई का एयरपोर्ट है यहाँ पर, कितना भीड़ देखिए। सभी काउंटर हैं जहाँ पर इमिग्रेशन होता है। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपका इमिग्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर आप सिम के लिए अगर क्वारी करेंगे, पूछेंगे, तो आपको सिम मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है, पर वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी को सिम मिल जाता है। अगर कोई बोलता है कि हमें सिम चाहिए, तो आपको यहाँ पर सिम मिल जाता है। जैसे कि मुझे मिल गया है सिम डियो का, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं अभी। अभी हम बैग लिए आ गए, तो देखिए यहाँ पर बैग आ गया हमारा, बैग भी हमने ले लिया है यहाँ से, और अभी निकल के एयरपोर्ट में बाहर के लिए। तो देखिए यहाँ पर बल्ड सिक्योरिटी की टीम हमें यहाँ पर लेने आई है, रिसीव करने के लिए खड़ी है बोर्ड लगा के। तो अब अभी हम 19 कैंडिडेट उनके पास में पहुँच जाएंगे, बल्ड सिक्योरिटी की जो टीम हमें लेने आई है। फिर यहाँ से सीधा हमें बस में बैठा कर कैंप में ले जाया जाएगा, जो भी एकोमेंडेशन है बल्ड सिक्योरिटी की। एकोमेंडेशन भी दिखाऊंगा मैं आपको, कैसे रहने के लिए है, क्या क्या किचन वगैरह, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एकोमेंडेशन में, तो वो वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो देखिए अभी हम बस के पास जा रहे हैं, तो बस हमें सीधा एकोमेंडेशन में ले जाएगी यहाँ से।
सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हैं यहाँ पर दोस्तों। तो अभी हमें यहाँ पर बस रिसीव करने आएगी, अभी देखेंगे अभी बस मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बस आ चुकी है, यहाँ पर खड़ी है बस। तो अभी हम लोग बस में बैठने जा रहे हैं और ये बस सीधा हमें एकोमोडेशन के अंदर ले जाएगी। फुल एसी बस है, लगभग सभी बसें यहाँ पर एसी की बसें चलती हैं, फुल एसी। और जो भी हमें रूम मिलेगा वो फुल एसी रहेगा, हर टाइम उसमें एसी चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों गर्मी कुछ ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पर अभी यहाँ का मौसम चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा गर्मी होती है, अब थोड़ा गर्मी कम होते जा रही है। तो यहाँ पर पर्यावरण में चेंज हो रहा है, पेड़ पौधे काफ़ी लगाए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमें ब्लैंकेट वगैरह और बेड शीट और पिलो दे दिया गया है, और हमें बेड भी दे दिया गया है बिल्डिंग में, अभी दिखाएंगे अभी आपको। तो अभी हम लोग अपना लगेज और ब्लैंक सीट और बेड शीट और पिलो अभी लेके जाने जा रहे हैं वहाँ पर, जहाँ भी हमें रूम दिया गया है बिल्डिंग के अंदर, जो भी एकोमोडेशन है बल्ड सिक्योरिटी की। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बरकर रहता है यहाँ पर, जो कि जाबजा है यहाँ पर जेवल अली में, यहाँ पर एकोमोडेशन है बल्ड सिक्योरिटी की जेवल अली में। तो एकोमोडेशन में देख सकते हैं अभी हमको रूम मिल गया है, और देखिए बाहर रखने का शूज और चप्पल रखने का वो बना गया है बकेट। और अभी हम गेट खोलेंगे तो आप गेट के अंदर देखेंगे क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर चार बेड लगा हुआ है, जिन पर दो दो कैंडिडेट रहते हैं, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है। तो देखिए अभी हम ऊपर का बेड खाली मिला है, तो ये मेरा बेड है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो अभी हम बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। तो देखिए हम बाहर आ गए हैं, और ये मशीनें लगाई गई हैं कपड़े धोने की। आप इसमें एक ड्राम डालेंगे तो ये 45 मिनट चलेगी मशीन, और आपके सभी कपड़े धुल देगी। यहाँ पर एक ड्राम में 45 मिनट चलती है मशीन। तो अभी देख सकते हैं वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम काफ़ी बड़े बड़े हैं यहाँ पर, एक फ्लोर पे यहाँ पर दो वॉशरूम बनाए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। रूम में आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है वॉशरूम और किचन की, तो आपको अलग से दी गई है यहाँ पर वॉशरूम और किचन की फैसिलिटीज़। बहुत बड़े बड़े दो दो यहाँ पर वॉशरूम बनाए गए हैं, जिनमें आप नहा सकते हैं, ब्रश वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर लिफ्ट में आ गए हम अंदर, लिफ्ट में नीचे जाएंगे और आपको किचन दिखाएंगे कैसा किचन है, जो हमें बल्ड सिक्योरिटी की तरफ से फैसिलिटीज़ में दिया जा रहा है। तो देखिए एक फ्लोर पर आपको सबसे ग्राउंड फ्लोर पर तीन किचन मिल जाएंगे, जिसमें आपको खुद का इंडक्शन लेना है और खाना बनाना है और खाना है यार दोस्तों, आपको यहाँ पर खुद का इंडक्शन लेना पड़ेगा इस किचन के लिए। आपको दो किचन की फैसिलिटीज़ दी जाती है, एक तो यहाँ पर गैस की दी जाती है और ये इंडक्शन वाले की, तो आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं गैस का दिखा देता हूँ, गैस में आपको खाली बर्तन ले आना और खाना ले आना है और बनाना शुरू कर देना है। तो देखिए गैस वाला है, जिसमें आपका नंबर लगता है, आप नंबर लिखवाने आ सकते हैं, हर टाइम में आपका नंबर लिखवाना ज़रूरी रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग खाना बनाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर एक गार्ड लगा रहता है जो आपका नंबर लिख देता है कि इस नंबर पर आपको खाना बनाना है, और 45 मिनट का समय मिलता है। तो दोस्तों वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँचे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।